हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों का डाइट क्या होना चाहिए। अगर आपके यहाँ 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे हैं तो आप उन्हें क्या ऐसा खाने के लिए दें जिससे कि उनको पूरा पोषक तत्व मिले। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बच्चों को कोई भी चीज़ खिलाए वो नरम और मुलायम हो। कोई भी कड़ी चीज़ ना खिलाए। कड़ी चीज़ खिलाने से बच्चे के गले में प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसको निगलने में या अटकने की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मुलायम चीज़ देना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुलायम हो सकता है तो आप उसको बहुत अच्छे से उबाल के, मिक्स करके, मुलायम करके तब बच्चे को खिलाएं। आपको क्या करना है कि अगर आपका बच्चा है तो आप उसे सुबह में, जैसे आप दूध ले लीजिए, दूध में रोटी ले लीजिए, लेकिन पूरी रोटी मत लीजिएगा, रोटी का छिलका लीजिएगा। जब रोटी आप लोग खिलाते हो उसका जो छिलका होता है पतला वाला पर, वो लीजिएगा। और वो लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसको दूध में अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है, और वो अपने बच्चे को खिलाना है। फ्रेंड्स, आप दाल ले लीजिए, दाल में भी रोटी का छिलका डाल के वैसे ही मिक्स करके आप खिलाइए। आप दलिया ले लीजिए, दलिया मीठा दलिया, चाहे तो मीठा दलिया, नहीं तो फिर नमकीन दलिया, जो आपके बच्चे को आप खिलाना चाहती हैं। और मीठे में भी आप बहुत ज़्यादा मीठा ना खिलाएं। फ्रेंड्स, क्या होता है, छोटे बच्चे को शक्कर की जगह अगर आप मिश्री खिलाएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि शक्कर से क्या होता है, बच्चे को शुगर होने की प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो टॉयलेट करते हैं तो वहाँ पे चींटी रहने लगती है। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको चीनी की जगह शक्कर का, चीनी की जगह मिश्री का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि छोटे बच्चे को आप मीठा दलिया खिलाइए, दूध दलिया और वो मिश्री डाल के उसको उबाल के हलवा की तरह बना के उसको खिलाइए। आप ओट्स खिलाइए, सेम वैसे ओट्स में आप बना के खिलाइए बच्चे को। आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप बच्चे को दूध में मिक्स करके केला खिलाइए। और आपको अपने बच्चे को क्या नहीं खिलाना, आप अपने बच्चे को चावल खिलाना बिल्कुल एवॉइड करिए, चावल मत खिलाइए। क्योंकि छोटे बच्चे चावल खाते हैं तो शरीर बिल्कुल फुलफुला सा हो जाता है और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती, वो चल नहीं पाते, मतलब कि चलते हैं गिर जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, अपने बच्चे को पतला ही रहने दो लेकिन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप छोटे बच्चे को, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को बाहर का फास्ट फूड जो है वो खाने की लत बिल्कुल मत लगाइएगा। आप बस गेहूं से बनी हुई चीज़ें और घर की शुद्ध बनी हुई चीज़ें खिलाइए, बाहर का कुछ भी मत खिलाइए। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं आपके 0 से 1 साल तक के बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं अगर हम पेरेंट्स केयर नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है। तो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है कि छोटे बच्चे को घर पे बनी हुई चीज़ें, गेहूं से बनी हुई चीज़ें, शुद्ध चीज़ें खिलानी, जो कि उनको मतलब पोषण दे। हाँ, उनको पोषण दे, उनका विकास अच्छे से हो पाए, उनकी बुद्धि तेज हो, ना कि कुछ भी खिला के बच्चे का पेट भर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ कि कब कब खिलाना है, तो अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो आपको क्या करना है कि 9 बजे के पहले कम से कम 2 बार आप अपने बच्चे को कुछ भी स्नैक्स, जैसे कि मैंने बताया वैसा आप दे सकते हैं। बच्चों के लिए स्नैक्स क्या, वही लंच डिनर स्नैक्स सब होता है। और अगर आप वर्किंग पेरेंट्स नहीं हैं तो भी आप अपने बच्चे को 2 से 2.5 घंटे पे कुछ ना कुछ जरूर खिलाते रहिए, जो कि मैंने बताया उसी में से। आप पालक ले लीजिए, पालक का जो पानी होता है वो आप अपने बच्चे को पिलाइए, दाल पिलाइए, ये सारी चीज़ें आप पिलाइए। आप वो ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दूध में हॉर्लिक्स मिला लीजिए, वो पिलाइए। लेकिन बाहर का ऑयली फूड, जंक फूड या फिर चावल से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। ऑयली चीज़ें भी नहीं देनी है अपने बच्चे को, सिर्फ वही चीज़ देनी है जो बच्चे के लिए सही हो और पोषण का काम करे। फ्रेंड्स, लापरवाही मत करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।